दरगाहों से फैज हासिल करना सदियों की रिवायत है। हम कराची से निकले सिंध की सबसे बड़ी दरगाह की जानिब, उस बुजुर्ग हस्ती का मजार जो दुनिया भर को फैज दे रही है। दुनिया से चले जाने के बाद भी इस सखी का चरागे फैज हर खास व आम के लिए है। कोई शख्स सालिक हो, रूहानियत से लगाव रखता हो या महज एक जायर, ये हस्ती सबके लिए सखी है। फकीरों के लिए मस्ती है, मजजूबों का लाल, अहले जिक्र का शहबाज और सबका कलंदर। ये लोकल बस भी हमारी तरह सेवन शरीफ की जानिब जा रही है। धुआं छोड़ती हुई जाती इस बस में लोग खचाखच भरे हैं। लोग इस बस की छत पर भी बैठे हैं, जिसमें मुसाफिरों के लिए कोई हिफाजती तदाबीर नहीं की गई। अल शहबाज वैन की भी हालत जार वाजे है। वैन का कंडक्टर खुद गाड़ी के पीछे एक आम मुसाफिर की तरह लटका है। इस तरह वो अपनी सीट किसी पैसेंजर को देकर इससे मजीद पैसे कमाएगा। बड़ी महारत से बगैर जंगले के हाथ गाड़ी के ऊपर रखे हैं और पांव भी रखा है बगैर किसी सहारे के। एक और बस हमारे साथ साथ सड़क पर दौड़े जा रही है। इसके ऊपर बैठा हुआ ये काफिला जायरीन पर मुश्तमिल है, या फिर उन लोगों पर जो वादिये मेहरान के मर्दे कलंदर की दरगाह जा रहे हैं पैसे बनाने के लिए। ये लोग जायरीन के वास्ते खाने पीने का सामान और देगें लिए हुए हैं। हमारा सफर सेवन शरीफ की तरफ अभी जारी है। रास्ते में जगह जगह जायरीन के लिए सबील और लंगर का बंदोबस्त किया गया है। देखते हैं कि सेवन शरीफ जाने वाले जायरीन के लिए रास्तों में लंगर का बंदोबस्त कौन करता है। ये हैं लाल शाहबाज कलंदर के मौतकर सैयद अकील अब्बास बुखारी। हमारी इनसे बातचीत हुई तो पता चला कि अकील अब्बास इस इलाके में एक क्रशिंग प्लांट चला रहे हैं। वो इस वक्त अपने मजदूरों के साथ लंगर बांटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि इन्हें क्रशिंग प्लांट लगाने के बाद नुकसान होने लगा था, मगर अब ये फायदे में बदल चुका है। जब से जायरीन की खिदमत का बेड़ा उठाया है, वो मन की मुरादें पा रहे हैं और कारोबार अच्छा चलने लगा है। हमारी मंजिल है अभी और आगे। सेवन शरीफ से अभी हम 20 किलोमीटर के फासले पर हैं। दूर से हमें एक मजार दिखाई देने लगा है। यहां भी कुछ जायरीन मौजूद हैं। कहा जाता है कि सेवन शरीफ दरवेशों का शहर है, लेकिन हमें तो शहर से पहले ही एक दरवेश बुजुर्ग का मजार मिल गया। चल के देखते हैं कि यह मजार किसका है। मालूम किया तो पता चला कि यह शाह सदर लकियारी नामी एक खुदा परस्त बुजुर्ग का मजार है। मजीद इंकशाफ यह हुआ कि शाह सदर लकियारी सखी लाल शाहबाज कलंदर के हम असर थे। इनकी आपस में सोहबत भी रही। ये बुजुर्ग शरीयत मोहम्मदी के पाबंद थे। शाह सदर लकियारी का ये मजार अभी जेरे तामीर है।
लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह की जानिब हमारा सफर जारी है। सहवन शरीफ शहर के बाहर ही काफी तादाद में बसें, ट्रक और खेमे दिखाई दे रहे हैं। यूं लगता है कि शहर के अंदर जायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक लाल शाहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर हर साल जायरीन की तादाद 8 लाख से 10 लाख तक हो जाती है। इतनी बड़ी तादाद हो जाने के बायस रहने सहने, खाने पीने और दीगर जरूरियात पूरी करने में मसाइल होते हैं। इसी वजह से बदनज़मी और छोटे बड़े जराइम का खदशा भी पैदा हो जाता है। आज उर्स का पहला दिन है। जायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार की जानिब लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। हम भी इस जानिब तीन पहियों की एक सवारी चिंगची पर सवार हैं। दाएं बाएं मुख्तलिफ अशिया के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। कोई सस्ताने के लिए बैठा हुआ है तो कोई मजार की जानिब बढ़ा जा रहा है। कहीं खिलौने हैं तो कहीं लाल धागे बेचने वाले। एक जानिब से 60 रुपया 60 रुपया की आवाज आ रही है तो दूसरी तरफ से 25 रुपया 25 रुपया। हर साल इस दरगाह पर जहां खरीदारों का रश होता है, वहीं कसीर तादाद बेचने वालों की होती है। ठेले वाले और छोटे दुकानदार उर्स के इन दिनों का इंतजार साल भर करते हैं। ये उर्स इनके लिए पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका है। यहाँ कुछ जानवर बीच बाजार मौजूद हैं। पता चला कि ये जानवर लंगर और सदके के लिए हैं। जानवर बेचने वालों के लिए हजारों रुपए बनाने का ये बड़ा अच्छा मौका है। और यहाँ मौजूद हैं पकी पकाई देगें। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ भी ये रिवाज मौजूद है। इंतजार का झंझट नहीं करना पड़ता और जर्दे या सिंधी पुलाव की देख 1000 रुपए से 1500 रुपए तक बासहूलत मिल जाती है। सेवन शरीफ में जायरीन दुनिया भर से आते हैं लाल शाहबाज कलंदर का फैज लेने के लिए। लोग ये पकी पकाई देगें खरीद कर तकसीम करते हुए जा बजा दिखाई देते हैं। महकमा औकाफ के अराकीन भी जायरीन को खाना देने का काम सर अंजाम देते हैं। क्या इनकी ये खिदमत जायरीन के लिए काफी होती है? अगर जो है 25 से 30 देंगे ड्यूरिंग उस जो है वो चलता है देने का हिसाब लेंगे। लेकिन जायरीन की बड़ी तादाद के लिए महकमा औकाफ की जानिब से दिया जाने वाला लंगर ना काफी होता है। उर्स के दौरान पानी की मांग भी बढ़ जाती है, इसीलिए सेवन शरीफ में पानी बिकता है। पानी से भरे इस कूलर की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए तक होती है। ये कीमत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। इन जायरीन के लिए मुफ्त पानी पहुंचाना किसका काम है, TMA का या महकमाए औकाफ का? अब हम लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह के सहन में मौजूद हैं। यहाँ जायरीन मुख्तलिफ टोलियों और जमातों की सूरत में हाजिरी दे रहे हैं। शामी
आज पहली धमाल देखने को मिली। लोग जोश और खरोश के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ फनून को जानने वाले जायरीन को मस्त करने के लिए अपने अपने फन का मुजाहरा करने में मसरूफ हैं। ये पंजाब से आने वाले हीरो बैंड के मास्टर इसहाक हैं, जो अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं। क्या खूब जोश है और क्या अकीदतमंदी का मुजाहरा। मस्त कलंदर के मजार पर मस्त जायरीन की धमाल। क्या ये बैंड वाले भी कलंदर के मजार पर कमाने आए हैं? इन लोगों का कहना है कि सेवन शरीफ में इन्हें रिहाइश के मसाइल दरपेश हैं। सेवन शरीफ में ज्यादातर मकामी लोग उर्स के मौके पर अपना घर किराए पर चढ़ाते हैं। इस तरह 70,000 से 80,000 रुपए तक हासिल हो जाते हैं। ये मुसाफर खाने बनने चाहिए ताकि वहाँ पे लोग आए और वहाँ पे ठहरे और अपना जो भी मसला होता है। ये किराया सिर्फ 3 दिनों के लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत से जायरीन खास तौर पर सूबा पंजाब के 10-12 दिन पहले ही यहाँ आ मौजूद होते हैं। 12 दिन के लिए आए हैं और 70,000 रुपया दिया हमने रेंट 12 दिन का। ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर जायरीन और अकीदतमंदों के लिए इन दिनों में रिहाइश का कोई खातिर खा बंदोबस्त मौजूद नहीं होता। सरकारी रेस्ट हाउसेज वैसे ही कम है। ये रेस्ट हाउसेज तो अपने ही अफसरान को मतलूबा सहूलियात नहीं दे पाते। यहाँ हजारों की तादाद में जायरीन बे यार और मददगार खुले मैदानों में सोए हुए नजर आए। कुछ जायरीन ने तो अपना डेरा कब्रिस्तान में ही लगा रखा है। सेवन शरीफ एक छोटा सा गरीब शहर है, यहाँ की कोई मुस्तकल आमदनी है नहीं। छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो साथ में, हर एक की तो नहीं है, फिर बिजनेस सेंटर भी नहीं है, फिर इंडस्ट्रियल सेंटर भी नहीं है। तो टोटल डिपेंडेंस जो है यहाँ के रहने वालों का, वो कलंदर लाल शहबाज के आने वाले जायरीन के खर्चे के ऊपर उनकी दुकानदारी और उनका डिपेंडेंस चलता है। ये एक किस्म की टूरिस्ट इंडस्ट्री है। 27 को जब गुसल होता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार का, तो वहाँ उनमें शिरकत के लिए आते हैं और यहाँ आके लोगों से मिल जाते हैं और अपने कमरे जो हैं बुक करके ले जाते हैं कि भाई हम उर्स के फलां तारीख को सेवन शरीफ आएंगे। सरकारी तौर के ऊपर हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को मैं इस तरह भी मुज़बे समझता हूँ कि कई लोगों के राशन का सबब जो है वो ये उर्स है कि उनके घर की दाल रोटी जो है इस उर्स से चलती है। जब से ये मैंने पोस्ट संभाली है तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ तो कहाँ हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी ज़मीन पड़ी है, तो उस ज़मीन पे हमारे पास पैसा तो इतना नहीं है, लेकिन बिल्डर्स को मैं दावत दूँ, इन्वाइट करूँ उनको, तो ये भाई हमें बनवा के दें। अगले दिन हमने सेवन शरीफ में मौजूद किले का रुख किया। इस किले के बारे में सुनी जाने वाली रिवायात अजीब व गरीब हैं। इस किले को देखने के लिए आने वालों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। काले लिबास में लाल का फकीर अपनी धुन में मस्त है। इधर हमारी नजर एक करतब दिखाने वाले पर पड़ी। ये शख्स बड़ी महारत से अपने सर पर मटका उठाए फन का मुजाहरा कर रहा है।
यहाँ भी तमाशाई करतब दिखाने वाले पर पैसों की बारिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उर्स के दौरान हज्जाम की दुकान भी खूब चमकती है। यही मौजूद जायरीन हज्जाम से खूब खिदमत लेते हैं। उर्स के दिनों में दुकानदार हज्जामों को बाहर से भी बुलाते हैं। माम आपका ही है, आप लोग चला रही है। कितना लेते एक बंदे के नाने का? इन दुकानों के अलावा खुले मैदान में चारों अतराफ में चादरों से ढके हुए बैतुल खला और हमाम भी मौजूद हैं। यहाँ जायरीन 30 रुपए देकर अपनी हाजत पूरी कर लेते हैं। ये हकीकत अफसोसनाक है कि लाखों जायरीन के लिए यहाँ हुकूमत की जानिब से बनाए गए बैतुल खला कहीं नजर नहीं आए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर मुतालका इदारे यहाँ क्या काम कर रहे हैं? जवाब हासिल करने के लिए हमने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का रुख किया, लेकिन मौजूदा TMA अफसर हमसे मुलाकात का वक्त तय करने के बावजूद अपना मौकफ देने के लिए नहीं आए। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और यही मिसाल इन पर सादिक आती है। 5 रुपए की दवाई नहीं मिलती है, इस 5 रुपए का क्या करना है? काली किशमिश लेनी है। क्या लेनी है भैया? काली किशमिश। उसका अंदर बीज होता है, बीज निकाल के। उर्स के 3 दिन 7 शरीफ में कारोबार का मौसम है। एक गोली निकालो, उस ख्याल के अंदर डालो, उस बाबा को देना जिसको खांसी होवे, सीने की जलन होवे। ये 3 दिन छोटे बड़े कारोबारी लोगों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया है। ये दिमाग को ताकत दे, खून बनाए, खून को ताकत दे। मालिशिये भी यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं और चंद रुपयों में जायरीन की थकन दूर कर देते हैं। इन लोगों का दाखला 7 शरीफ के होटलों और रेस्ट हाउसेज में ममनू है। जायरीन इन्हें मदू करके खतरा अपने सर लेते हैं, क्योंकि मशहूर यही है कि ये मालिशिये अक्सर औकात जायरीन को लूट लेते हैं। भिखारियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। ला तादाद भिखारी आपको 7 शरीफ में दिखाई देंगे। उर्स के दिनों में इनकी चांदी होती है। जायरीन इन्हें बहुत कुछ देते हैं। ये भिखारी हाथ पांव से महरूम है, वाकई मदद का मुस्तहिक। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए फनकारों में से ये गुलूकारा भी हैं। ये अपनी रोजी कमा रही हैं। इनकी गायकी से न सिर्फ जायरीन महजूज हो रहे हैं बल्कि पैसे भी दे रहे हैं। माजी में इस किस्म के गाने बजाने वालों की बहुतात हुआ करती थी, मगर गुज़िश्ता 2 सालों से इसमें कमी आई है। एक लिहाज से ये खुश आइन भी है, इससे दरवेश के मजार पर लूटने और फहाशी फैलाने जैसे आमाल कम हो गए हैं। एक और काफी में महफिल सज गई है। जायरीन इससे भी खूब महजूज हो रहे हैं। ये अटल हकीकत है कि कमाने वाले यहाँ उर्स के दिनों में कमाते और पूरा साल बैठकर खाते हैं। एक और कारोबार है जो हर उर्स और मेले में दिखाई दे जाता है। ये कारोबार है जेब कुतरने का। दरबार में ज़ियारत करने गया ना सर, तो जेब कुतरने मेरी जेब से 8,000 मोबाइल 8,000 औषधि का निकाल लिया। 2 घंटे में से पहचान लिया उसको। जब वापस आया वो, पुलिस वाले बुलाया भी इसको पकड़ो जरा, इसने पैसे निकाले हैं। पुलिस वाले पकड़े, इसको साथ ले आए। लाहौर से आए हैं तो हमने कहा चलो आगे भी आए, सलाम नहीं किया, आप कर लेते हैं। गेट के पास ही खड़े हुए, 1 मिनट धक्का लगा तो डाल इधर वाले खींचे गए। इस चीज़ का ख्याल रखें,
कि अकीदतमंदों की शक्ल में यहाँ चोर भी आ जाते हैं, जो जेब तराशी करते हैं, लोगों के बुंदे नोच लेते हैं, ऐसे लोग भी इधर आ जाते हैं। तो उनसे होशियार रहें ताकि कोई किसी किस्म का जो है वो मिसहैप ना हो। बड़ी सफाई से जेब कतरे जायरीन की जेबों पर हाथ साफ करते हैं। कोई पंजाबी हो या सिंधी, दरवेश हो या मजनून, ये जेब कतरे किसी को नहीं छोड़ते। सेवन शरीफ में जगह जगह काफियां भी मौजूद हैं। कुछ काफियां इन फकीरों और दरवेशों की हैं जो लाल शाहबाज के साथ यहां आए थे। कहा जाता है कि शुरू में ये काफियां सिर्फ 14 थीं, मगर अब बढ़कर 72 हो गई हैं। कलंदर के जायरीन की बड़ी तादाद इन काफियों में आकर ठहरती है। ये जायरीन अपने साथ जो खाने पीने की अशिया लाते हैं वो यहाँ इन काफियों के रखवालों को दे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जायरीन इनको खासा नजराना भी पेश करते हैं। जो अभी सेवन में जगह जगह पे आपने टर्म सुनी होगी काफ़ी, तो लोकली काफ़ी जो होती है वो उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर कलंदर लाल शहबाज की फुकरा हो, उनके फ़कीर हों, जो उनके फ़कर को जारी रख रहे हैं वो हो। बरे सगीर की जो भी बुज़ुर्ग हस्तियाँ रही हैं, आप शेरशाह जलाल उच वाले देख लें, गौस बाहलक जिक्रिया देख लें, सचल शर्मा सिंध में देख लें, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई देख लें, इन सब का ताल्लुक कलंदर लाल शहबाज से उनका या उनके ख़ानदान का रहा है। जैसे सचल शर्मा के दादा सेवन में मदफ़ून हैं, शेरशाह जलाल के पोते सेवन में मदफ़ून हैं, हज़रत गौस बाग ज़िक्रिया के जो है पोते वो भी इधर सेवन में मदफ़ून हैं। वो इस तरह से सेवन में मदफ़ून हैं कि वो इधर आए सेवन में, उन्होंने क़याम किया, इधर रियाजत की, उनको फ़कीरी का एक मुकाम मिला। जब फ़कीरी का उनको एक मुकाम मिला तो उनकी अपनी कलंदर लाल शहबाज के अलावा अपनी ज़ाती भी एक फॉलोइंग हो गई, एक कनेक्शन बन गया कि एक आम आदमी है वो मुरीद है उस काफ़ी के सरगुरु का, और वो काफ़ी का सरगुरु मुरीद है कलंदर लाल शहबाज का। तो इस तरह से ये काफ़ियों का इधर जो है वजूद हुआ। सेवन सदियों से आबाद है, यहाँ कल्चर के कई रंग हैं, इन्हीं में से एक है सहवानी कल्चर। इसे आम लफ्जों में मवालियों और बेफिक्रों का कल्चर कहा जाता है। इसी तरह काफियों का भी वजूद हुआ, मगर हमें इन काफियों या शहर के अंदर मौजूद जायरीन में चरस और भंग पीने वाले न मिल सके। ये भी हकीकत है कि कुछ जायरीन और अकीदतमंदों के लिए उर्स के ये दिन सिर्फ अकीदतमंदी ही नहीं बल्कि एक शुगल भी है। उर्स अब वक्त गुजारी और पिकनिक की सी सूरत इख्तियार कर चुका है। आए हुए जायरीन अपनी अकीदत का नजराना मजार पर फूल डालकर भी पेश करते हैं। सेवन शरीफ में फूलों की दुकानें आम हैं। इस कारोबार को कौन लोग चला रहे हैं, ये फूल कहां से आते हैं और मजार पर डालने के बाद कहां चले जाते हैं? फूल वगैरह तो इधर से हैदराबाद से लेकर आते हैं। यहाँ की मुख्तलिफ छोटी छोटी शहर से बाहर की दरबारें जो हैं उनके फुकरा आके इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अपने अपने हिस्से के फूल वहाँ से उठा के ले आते हैं, अपनी दरबार पे ब्लेसिंग्स के तौर पे जाके रखते हैं कि कलंदर लाल शहबाज की तरफ से फूल आए हैं। जितने भी फूल हैं या चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रेक्टर को हम देते हैं, कॉन्ट्रेक्टर हमें पैसे दे देता है, बाकी वो उसका काम है, हेड है जो करे, हमें तो उसकी पेमेंट मिल जाती है, हम पेमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कर लेते हैं। अब ये उनसे पूछा जाए कहाँ करते हैं, हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसको। दरगाह लाल शाहबाज कलंदर की चंद रस्में ऐसी हैं जिन्हें सदियों से बाकायदगी के साथ अदा किया जाता है। इन्हीं में से एक है धमाल।
आम तौर पर इस धमाल को कलंदरी धमाल कहा जाता है। हर इलाके की अपनी तहजीब और सकाफत होती है। सूबाए पंजाब में आम तौर पर ढोल की आवाज से लोग मानूस हैं और सिंध के लोगों की उनसियत नौबत की आवाज के साथ है। उर्स के मौके पर यह भी हुआ करता है कि जमातों की सूरत में आने वाले जायरीन अपने अपने हलकों में धमाल डालते हैं। इन धमालों के दौरान या अली और मस्त कलंदर के नारों से फिजा गूंज उठती है। जमीन दीवानों और मस्तानों के कदमों की धमक से थर्रा उठती है। धमाल डालने से लाखों जायरीन के मजमे में मस्ती की एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। जो जहां है वो अपनी जगह पर ही धमाल डालने लगता है, पांव धमकने लगते हैं और बदन थिरकने लगता है। तो धमाल एक्चुअली है अज़ादारी तकलीफ़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, उनकी पांव की तकलीफ जो उन्होंने उठाई। 1444 मील वो चले गरम तपती रेत पे, तो उसकी जो है वो उसको मनाने के लिए हर रोज़ जो धमाल होती है उसमें कलंदरी फकरा, कलंदर लाल शहबाज ने ये खुद शुरू की थी, और कलंदरी फकरा रोज़ नकारे की चोट पे वो अपने एक पांव उठाते हैं, एक पांव रखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि तपती रेत में कोई चलता है। लाल शहबाज कलंदर की उम्र करीबन एक सदी पर मुहित थी। इस मर्द कलंदर ने शादी नहीं की, सारी उम्र मुजर्रद रहने को तरजीह दी। लाल शहबाज कलंदर के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद लोगों ने मेहंदी की रस्म को जन्म दिया, इन्हें ख्याली दूल्हा बना लिया। मेहंदी की ये रस्म अमूमन पाकिस्तान में किसी और दरवेश सूफी के लिए दिखाई नहीं देती, लेकिन ये रस्म कलंदर के मजार पर हर साल अदा होती है। ये रस्म खुसूसियत से इसी दरगाह से वाबस्ता है। लाल शहबाज कलंदर के जाहिरीन ने मेहंदी सजा रखी है। लाल शहबाज कलंदर के मजार पर चादर पोशी की रस्म हर साल अकीदत और धूमधाम से अदा की जाती है। सेवन शरीफ के गली कूचों से गुजरते हाथों में बड़े बर की चादरें फैलाए ये अकीदतमंद अपनी मुरादें पूरी करने के लिए हाजिरी को यकीनी बनाएंगे और मजार पर ये चादरें चढ़ाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि गोया अकीदत मंदों के दरमियान मजार पर चादर चढ़ाने का मुकाबला है। मर्द और औरतें सभी धमाल डालते हुए मजार की जानिब बढ़ते हैं। इतनी महंगी चादरें कहाँ जाती हैं? इन चादरों को महफूज कर लिया जाता है या दोबारा फरोख्त कर दिया जाता है? चादरों का ट्रेडिशनली यहाँ एक मसला था, वो एक बहुत अच्छा समाजी तरीका था जो हम सजादा नशीनों ने किया हुआ था। वो ये था कि चादरें कलेक्ट होती थी, चादर कभी नहीं बिकती थी, चादर तोशा खाने में महफूज रहती थी, ताले में बंद रहती थी। इधर जब गरीबों की शादियाँ होती थी, बच्चियों की शादियाँ होती थी, उनको ज़रूरत होती थी, उनके ज़रूरत के मुताबिक 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 चादरें फिर उन गुरबा को दी जाती थी, उनकी फैमिली में बांटी जाती थी, जिससे वो उनका बच्चियों का जहेज बनता था और वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल सिलसिला था। चादरों का जैसे आपने वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल से सुना होगा साइंस में, तो इधर हमारे पास जो है चादरों का साइकिल है। आमतौर पर आपने मुशाहिदा किया होगा कि जो ज़ायरीन आते हैं उनको उनमें से बड़ी तादाद में चादरें उनके गले में डाल दी जाती हैं और उनको दरबार की तरफ से एक तोहफा दिया जाता है जो वो लेकर अकीदत से वापस जाते हैं। जी हाँ जनाब, वो चादरें मेहमानों को चढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ उन मेहमानों के चढ़ाई जाती हैं जो नोट दिखाते हैं।
कभी आपने सुना कि किसी उस जायरीन को मिला हो जो कि दूर से पैदल चल के आए हैं, गरीब मिस्कीन लोग हैं, अपनी मुराद के लिए पहुँचे हैं, उनको तो धक्के देके वो बाहर निकाल देते हैं? नहीं, हमारे जितनी भी वो चादरें होती हैं वो अपने स्टोर में जमा कराते हैं, स्टोर में चादरें, उसके बाद फिर फौरी जो है जैसे ज़्यादा हो जाती हैं तो वो हम फिर उसको फुरकत करते हैं, उनकी वो जो है पता होता है तो इस चादर की इतनी कीमत है, वो हम कीमत लगा लेते हैं और दुकानदार खरीद लेते हैं, वो पेमेंट हमें मिलती है। दिन आम हो या खास उर्स के, लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर आने वाले जायरीन पैसों का नजराना ज़रूर पेश करते हैं। इस साल सहवन में महकमा औकाफ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक उर्स के 3 दिनों में 57 लाख रुपए का नजराना पेश किया गया। मजार पर चढ़ाया जाने वाला साल भर का सोना करीबन 100 तोला है। उर्स के 3 दिनों में औकाफ का खर्च करीबन 8 लाख हुआ, जो लंगर, पानी और कुमकुमों की मद में था। महकमा औकाफ की लाल शाहबाज की दरगाह पर क्या खिदमात हैं, ये जायरीन से मिलने वाले पैसे नजरानों का क्या करते हैं और कहां भेजते हैं? ये जो सारा जो पैसे आते हैं तो जो तो पेटियों में पड़ते हैं वो तो सरकार को मिलते हैं, जो पेटियों से बाहर लोगों से छीन लिए जाते हैं वो कहीं और चले जाते हैं। जो कलंदर लाल शहबाज के पास जो नजराना पड़ता है वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 20% पड़ता होगा, 80% तो वो वैसे ही लीकेज हो जाती है। हज़रत कलंदर लाल शहबाज पे आमदनों में तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो है वो डिपेंड करता है जायरीन के आने पे, वो जमा हो जाता है और ये सालाना बन जाता है कोई 1 करोड़ से ऊपर। अभी मेले के दौरान जो है 3-4 गुना बढ़ जाता है, ज़ाहिरीन क्योंकि काफ़ी आ जाते हैं तो वो सारा पैसा जितना भी होता है लाल कलंदर शहबाज का जो हमारे बॉक्सेस में होता है वो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध अकाउंट रन में जमा कराते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है हमें इस फैसिलिटीज़ के लिए एक सालाना बजट देती है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद छोटी सी बस्ती सेवन को लाल शाहबाज कलंदर से पहले कोई अहमियत हासिल न थी। सेवन अब सेवन शरीफ बनकर दुनिया भर में मशहूर है। ओ तेरा सेवन रवे आबाद में, सोना लाल कलंदर, तेरा सेवन रवे आबाद में, सोना लाल कलंदर, तेरा सेवन रवे आबाद में, सोना लाल कलंदर। कलंदर की इस नगरी में शाह हो गदा की कोई तमीज नहीं, यहाँ लाखों नामुराद आए और बामुराद होकर लौटे, लाखों भूखे हाजिर हुए और झोलियां भर भर कर ले गए। बर्रे सगीर में जलीलुल कदर सूफियाए कराम तशरीफ लाए हैं, इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श और मखदूम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शाहबाज कलंदर सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर आज़रबाईजान आर्मीनिया के गांव मरवंद में 538 हिजरी में एक बुलंद पाया आलम दीन सैयद कबीरुद्दीन के घर में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया, कम उम्री में तमाम दीनी उलूम में मलका हासिल करके शरीयत, हकीकत, मार्फत, मराकबा और नफ्स कशी के कठिन मनाजिल तय किए। फिर आपने मुद्दतों की इबादत और रियाजत के बाद राह इश्क में बुलंद तरीन मकाम पाया और सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी लाल शाहबाज कलंदर बन गए।